प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण के उद्घाटन के पश्चात बाबा धाम से गंगा धार को एकार कर रहे गंगा छोर पर बने गंगा द्वार की भव्यता में वृद्धि हो रही है तथा यह अपने पूर्णता की ओर अग्रसर है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के अंतर्गत आपको एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाएंगे तथा धरातल पर हो रहे बाबा धाम में जीर्णोद्धार कार्य व कॉरिडोर निर्माण की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे तथा बताएंगे कि कैसे पूर्ण हो रहा है विश्वनाथ धाम का अंतिम पड़ाव। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण के पश्चात द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का समापन होने जा रहा है तथा अति अपेक्षित गंगा नदी किनारे वाले पंपिंग स्टेशन को भी हटा दिया गया है। पहले हम आपको टाइम लैप्स में कुछ दिन पूर्व तक उपस्थित पंपिंग स्टेशन के हटने तक के दृश्य दिखाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पहले यह टंकी विश्वनाथ धाम की सुंदरता में बाधक बन रहा था, जिसे कि योजना अनुसार हटाया गया है तथा इसको तोड़कर हटाने में भी कई दिनों का समय लगा एवं इस कार्य में पोकलेन मशीन व ड्रिल मशीनों की सहायता लिया गया है। आप यह सभी दृश्य थोड़ा विस्तार से देखें ताकि आप पूर्व एवं पश्चात में हुए परिवर्तनों को सरलता से समझ सकें। आप देख सकते हैं कि इस स्थान से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टंकी के हटने के पश्चात अब यह स्थान कितना वृहद लग रहा है तथा इसका क्षेत्रफल भी विस्तारित हो चुका है। यही नहीं, अब विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार की सुंदरता कई गुना बढ़ गई है। इसी स्थान की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि यहाँ पर गंगा नदी किनारे के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा नदी किनारे के तलहटी तक की अंतिम सीढ़ी तक गुलाबी पत्थरों को लगाया जा चुका है। आपको हम यह ललिता घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक के हुए कार्यों का संपूर्ण दृश्य दिखा रहे हैं। आइए अब हम आपको यहां से मणिकर्णिका घाट की ओर हो रहे कार्यों के दृश्य दिखाते हैं। साथ ही में आपको हम बता दें कि अब मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी के किनारे पर शेष कार्यों को तीव्र गति के साथ किया जा रहा है एवं आपको हम दर्शाते हुए बता दें कि यहां पर यह अंतिम सीढ़ी है जिस पर कि गुलाबी पत्थरों को लगाया जा रहा है एवं यहाँ बगल में ही गंगा द्वार की सीढ़ी व एस्केलेटर भवन आदि का कार्य भी संचालित है। आपको हम यह सभी दृश्य को सरलता पूर्वक समझाने हेतु ड्रोन व्यू की सहायता लेते हैं ताकि संपूर्ण परिदृश्य का अवलोकन आप कर सकें। बता दें कि वर्तमान समय में गंगा नदी का यह जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 15 दिनों में मॉनसून का आगमन हो जाना है, तत्पश्चात कुछ ही दिनों में गंगा के जल स्तर में भी वृद्धि स्वाभाविक है एवं इसीलिए इस स्थान के कार्यों को अत्यधिक तीव्रता व सक्रियता के साथ किया जा रहा है एवं इन सीढ़ियों के निचले भाग को बनाने का यह सबसे उपयुक्त समय भी है तथा यह सभी कार्य कुछ ही दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके साथ ही विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के द्वितीय चरण का कार्य भी लगभग लगभग पूर्ण हो जाएगा। आइए अब हम आपको यहाँ से भीतर ले चलते हैं और गंगा द्वार के भीतर में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बता दें कि यहाँ गंगा और मणिकर्णिका घाट के मध्य में एस्केलेटर भवन का निर्माण कार्य जहाँ तीव्र गति से संचालित है, जिसके कि हम आपको निकटतम दृश्य दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भूमिगत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपरी भाग पर फिनिशिंग वर्क भी चल रहा है। आपको हम बता दें कि गंगा नदी किनारे वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टंकी को तोड़ने से पहले ही इस भूमिगत टंकी को संचालित कर दिया गया है तथा इसकी क्षमता में भी वृद्धि किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि कॉरिडोर के अधिकांश स्थानों पर मार्ग चिन्हांकन व साइन बोर्ड लग चुका है, जिससे कि संपूर्ण कॉरिडोर की जानकारी आपको सभी स्थानों पर प्राप्त होती रहेगी,
कि कौन सा भवन व मंदिर आदि कहाँ पर स्थित हैं तथा स्थान विशेष पर दर्शनार्थी कहाँ पर है आदि। आपको हम इस सूची पट पर अंकित जानकारी के माध्यम से यहाँ कॉरिडोर में उपलब्ध सभी भवनों व मंदिरों के नाम आदि की जानकारी प्रदर्शित कर रहे हैं तथा आप वे नाम भी देख सकते हैं जो ज्योतिर्लिंगों के नाम पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के पश्चात से काशी में आए आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन भी आरंभ हो चुका है। जी हाँ, इसके प्रथम चरण में पहले दिन शोधकर्ताओं की टीम ने नाव संचालकों से उनके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव को जाना। टीम ने नाविकों से कॉरिडोर बनने के पूर्व एवं पश्चात की स्थिति के समयावधि के प्रश्न पूछे थे। वर्तमान में उनकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी जाना, जिसमें कि पहले दिन के सर्वे के समय यह स्पष्ट हुआ कि नाविकों के आर्थिक स्थिति पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनकी आय में 60-70% की बढ़ोतरी हुई है। 2 दर्जन से अधिक नाव स्वामी, नौका चालक, मजदूरों से बातचीत कर उनका मंतव्य समझा गया। नाविकों से जो उत्तर प्राप्त हुआ वह काफी उत्साहजनक है। इससे सर्वेक्षण करने वाला दल भी काफी उत्साह में है। काशी विश्वनाथ धाम के नव्य और भव्य विस्तारित स्वरूप को देख धाम में आने वाले मेहमान भी प्रशंसा करते नहीं थकते। कॉरिडोर के बनने के पश्चात काशी विश्वनाथ के स्वर्णिम धाम के आय में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि ऐतिहासिक नव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर वर्ष 2021 को किया था एवं इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 8 मार्च वर्ष 2019 को किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कर प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंदिरों को नवजीवन प्रदान करके वाराणसी को धार्मिक व सामाजिक समृद्धि के केंद्र के रूप में पूरे देश में स्थापित किया है। सांस्कृतिक समन्वय व धार्मिक तथा नागरिक विकास की दृष्टि से भी काशी का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। काशी विश्वनाथ धाम अपने दिव्य एवं भव्य रूप में बन गया है। यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन एवं दर्शन पूजन पहले की अपेक्षा काफी सुगम हो गया है। साथ ही हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार अब पूरे विश्व में हो रहा है। गंगा धार से एकाकार करने वाले इस ऐतिहासिक धाम के आधुनिक स्वरूप की परिकल्पना को साकार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदियों तक स्मरण किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पौराणिक महत्व, धार्मिक महत्व एवं सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर नए तरीके से प्रस्तुत किया है तथा इससे काशी के विकास में नया अध्याय जुड़ा है। नूतन में पौराणिकता के साथ विकास की गाथा है काशी विश्वनाथ धाम। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं एवं इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।